हेलो फ्रेंड्स। तो आज मोमोज बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 कप मैदा, और इस मैदा में मैं डालूंगी हाफ टी स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स। तो आज मोमोज बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 कप मैदा, और इस मैदा में मैं डालूंगी हाफ टी स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल मत यूज़ कीजिएगा। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर इस तरह से क्रम्बली हो गया है, जैसे कि ब्रेड क्रम्स का हो जाता है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। हमें एकदम सेमी सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है, जैसे कि हम चपाती या पराठे के लिए करते हैं, हमें उसी तरह का डो प्रिपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का डो है हमारा। तो अब हमें इसे थोड़ा सा नीट करते हुए अपने हाथ से सॉफ्ट करना है एकदम, ताकि ये चिपके नहीं और एकदम स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा एकदम स्मूथ डो प्रिपेयर हो चुका है। तो चलिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा मोमोज का डो रेस्ट कर रहा है, तब तक चलिए फिलिंग बना लेते हैं। तो आज मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए हम ले रहे हैं 3 मेन इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मेरे पास ये है कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च। ये एक कैप्सिकम है जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है। और साथ ही में हम ले रहे हैं पत्ता गोभी। ये मेरे पास 1 कप पत्ता गोभी है जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है। आप देख सकते हैं एकदम बारीक बारीक काट, आप देख सकते हैं मैंने कितना फाइन चॉप किया है। आप इसे उतना फाइन चॉप कीजिए जितना आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोमोज में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स है, कैरेट है, बीटरूट है। आपको जो भी वेजिटेबल अच्छी लगती है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, पर आज मैं 2 मेन वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं 1 कप कॉटेज चीज़, यानी कि पनीर। पनीर एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, पर आज मैं इस रेसिपी में इन दोनों वेजिटेबल्स के साथ पनीर यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल, और इस मिक्सिंग बाउल में हम पहले डालेंगे हमारी वेजिटेबल्स, और इसी के साथ में हम डालेंगे हमारा पनीर, और साथ ही में हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन सब चीज़ों को अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, क्योंकि मोमोज नॉर्मली बहुत ही ब्लैंड टेस्ट के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं होता। मेन टेस्ट होता है मोमोज की चटनी का, तो हम इसमें बहुत कुछ नहीं डालेंगे। पहले हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हमारी एक नॉर्मल फिलिंग बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मोमोज में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सीजनिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, लेकिन मुझे अपने मोमोज में थोड़ी सी सीजनिंग पसंद है, इसलिए मैं नमक डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ अराउंड 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च, जिसे मैंने एकदम दरदरा कूट लिया है, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही फ्रेशनेस और एक अलग सा टेस्ट देता है, इसलिए हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, एक हिंट ऑफ हीट के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काली मिर्च की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है,
और ये चीज के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए अगर आप चीज के साथ फिलिंग बना रहे हैं तो जरूर डालिएगा। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारी फिलिंग एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं। तो हमारी फिलिंग एकदम रेडी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम पहले स्टीमर को प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे हमारे मोमोज। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों के घर में स्टीमर होता है और बहुत सारे लोगों के घर में नहीं होता। तो जिनके घर में स्टीमर है वो स्टीमर रेडी कर सकते हैं, लेकिन जिनके घर में नहीं है वो किस तरह से मोमोज बनाएं ये मैं आज बता रही हूँ। इसलिए चलिए अपना एक नए तरीके का स्टीमर अब हम बनाते हैं जिसमें हम अपने मोमोज को स्टीम करेंगे। तो मोमोज को स्टीम करने के लिए आज हम यूज करेंगे कढ़ाई। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे पानी, मैं डाल रही हूँ करीब 1 लीटर पानी, और इस पानी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इस पे हम रखेंगे हमारी इस तरह की स्टील की छलनी। और जब हमारे पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें स्टीम बनेगी और फिर हम इस तरह से इसे ढककर अच्छे से स्टीम करेंगे। तो मैं इसको अच्छी तरह से ढक देती हूँ ताकि हमारा जो स्टीम है वो जल्दी बन जाए। और जब तक हमारा स्टीमर रेडी हो रहा है चलिए मोमोज बना लेते हैं। तो हमारा डो रेस्ट कर चुका है, चलिए चेक करते हैं इसे एक बार, अपने हाथ से दोबारा से नीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी स्मूथ हो चुका है। तो चलिए हमारा डो भी रेडी है और हमारी फिलिंग भी, तो मोमोज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे हमारे मैदा का जो अभी हमने नीट किया है, आप देख सकते हैं काफी छोटा साइज है, अराउंड नींबू के साइज का मेरे पास ये डो है। तो इसे पहले इस तरह से रोल करेंगे और एकदम स्मूथ करके राउंड बना लेंगे इसका। अब हम इसे फ्लैट करेंगे और इसे रोल करेंगे जैसे हम नॉर्मल चपाती रोल करते हैं। हमें इसे बहुत बड़े साइज का नहीं बनाना है, हमें उतना बड़ा रोल करना है जितनी बड़ी हम पूरी बनाते हैं। आप साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो हमने इसे रोल कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा डो अच्छे से रोल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें रखेंगे थोड़ी सी फिलिंग। और इसे इस तरह से हम बंद करेंगे प्लीट्स बनाते हुए। आप चाहें तो इसे नॉर्मल भी बंद कर सकते हैं, इसको इस तरह का शेप भी दे सकते हैं। चलिए और बना लेते हैं। हमें मोमोज की जो कवरिंग है उसे एकदम पतला रखना है, आप जितना पतला रोल कर सकते हैं उतना पतला इसे रखिए। उसके बाद हमें इस तरह उठाना है इसे और उसके बाद इसे अंदर प्रेस करते हुए इस तरह प्लीट्स बनाते हुए आप देख सकते हैं इस तरह अच्छी तरह से हमें इसे बंद कर देना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से एकदम सील हो गया है और इसमें अच्छे से प्लीट्स भी बन गई हैं। तो इसी तरह से बाकी भी बना लेते हैं।
फ्रेंड्स, हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं स्टीम होने के लिए। आप देख सकते हैं मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए इन्हें स्टीम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टीमर में अच्छे से स्टीम बन गई है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश करूँगी ताकि जब हम अपने मोमोज रखें तो वो इस सरफेस से स्टिक ना हो। तो चलिए हमारे मोमोज को हम इस स्टीमर में ट्रांसफर करते हैं। और इसे कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे अराउंड 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमारे मोमोज की जो कवरिंग है वो काफ़ी पतली है, इसलिए 15 मिनट्स में बहुत अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाते हैं। तो अगर आपके मोमोज की जो कवरिंग है वो थोड़ी मोटी होगी तो आपका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और अगर आप हमारी तरह एकदम पतला रखते हैं तो आराम से ये 15 मिनट में स्टीम हो जाते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं हमारे मोमोज को। आप देख सकते हैं इनका कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, इन पर एक शाइन और एक ग्लॉस आ चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, यानी कि इनके अंदर की जो फिलिंग है वो थोड़ी थोड़ी अब बाहर हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि यही अच्छे मोमोज की पहचान है कि जब वो कुक होते हैं तो उन पे एक शाइनिंग आ जाती है, उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और उनके अंदर की स्टफिंग थोड़ी थोड़ी दिखती है। तो अब हमारे मोमोज स्टीम होकर एकदम तैयार हैं सर्व करने के लिए। तो चलिए अब इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ एक सेपरेट प्लेट पर, और उसके बाद इसे हम करेंगे गर्मा गर्म सर्व। तो आप देख सकते हैं मोमोज को मैंने एक सेपरेट प्लेट पर ले लिया है और ये बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ अपने बनाई हुई मोमोज की चटनी के साथ। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे चटनी का लिंक ले सकते हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं अब। सो फ्रेंड्स, हमारे टेस्टी मोमोज बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग हैं। तो आज मैंने सर्व कर रही हूँ अपनी बनाई हुई मोमोज की चटनी के साथ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस चटनी का लिंक आसानी से ले सकते हैं। मैंने आसानी से बताया है कि किस तरह से आप प्याज लहसुन के अलावा भी मोमोज की चटनी को अपने घर पे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट में। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आप इसे इसके अलावा भी किसी दूसरे स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये थी मेरी आज मोमोज की और चटनी की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हम हर रोज़ मिल सकें नई नई रेसिपीज़ के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन यू टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।